कौन कर रहा है कि बकरा ईद का त्योहार है तो उसको आप ना मनाएं, इसके लिए कौन मना कर रहा है? लेकिन बकरा ईद का त्योहार चौराहे के बीच में करने का तो नहीं है, चौराहे पर हांडी चढ़ाने का तो नहीं है, दूसरे को उससे दुर्गंध आती है, उसका व्रत खराब होता है, उसका मन खराब होता है, मन अशांत प्रचलित होता है, उस जीव को देखकर उसका मन पीड़ित होता है, वो करने का तो नहीं कहता। आपके पूजा पद्धति में हमारा कोई आक्षेप नहीं है, कोई परिवर्तन करने का अनुरोध नहीं है, कोई उसके बारे में टीका टिप्पणी नहीं है, सिर्फ खाली नियम कायदे से कृपया आप करें, आप अपने भीतर में जो भी काम करना है करें, बाहर में उसके अवशेष किसी को परेशान न करें, उसका आप ध्यान रखें, तो उसमें बुराई क्या है? अब राहुल गांधी जी के पास में और कोई काम तो रहा नहीं, और उनका चुनाव समय में उनका आगमन होता है, चुनाव के तत्पश्चात उनका घूमने का भ्रमण का प्रोग्राम भी तय होता है, वो इटली जावें, नानी के जावें या और कोई कहीं। ननिहाल के नाम को लेकर, ननिहाल भी कहें तो गोद का, लेकिन उन्होंने अपने बाबा दादा का भी स्मरण करना चाहिए और उनके बारे में भी सोचना चाहिए। सिर्फ खाली गांधी बोलने से, गांधी का स्वभाव उनमें आया नहीं है, आधी अधूरी कीमत जो मिले सो देकर चला जाए। लेकिन हमने 5 महीने में बहुत कुछ नियंत्रण कर दिया और लोगों के बीच जाकर उन्हें मजबूती दी है कि हम आपके साथ हैं, पूरा परिवार, पूरी भाजपा सरकार साथ है, आप लोग अपना भवन परिवर्तन करके न जावें, शहर बड़ा सुंदर है, शहर में सारी सुविधाएं उपलब्ध है, आने वाले समय में यहाँ रोजगार, पर्यटन, व्यापार इत्यादि सब बढ़ने वाले हैं, सुख सुविधाओं की जो कमी थी वो पूर्ति होने वाली है, पानी इत्यादि की जो समस्याएं भी उत्पन्न हो गई थी, सड़कों का हाल खराब था, तारों का जाल फैला पड़ा था, नालों की सफाइयाँ हो नहीं रही थी, वो 5 साल में जिस प्रकार से शहर का माहौल बना दिया गया था उससे भी लोगों को परेशानियाँ थी, उन सब में हमने लगभग ये माने कि काफ़ी कुछ परिवर्तन कर दिया है और कुछ परिवर्तन होना बाकी है, वो हो जाएगा। तो अब जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं उनके बीच हम जा रहे हैं, क्षेत्रीय थाना अधिकारियों को साथ लेकर हम लोग उनके साथ बैठते हैं, कहीं कोई छुटपुट शिकायत आती है तो उस बीच हम लोग जाकर उनकी मदद करते हैं ताकि वो भय से ना जावे, वो अपनी इच्छा से छोड़ना ही चाहता है, जाना ही चाहता है, तो हम उसको कैसे रोकेंगे? लेकिन भय के माहौल में वो यहाँ से परिवर्तन ना करे उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज अनगिनत फोन सवेरे से एक ही आ रहे हैं, पुरोहित पाड़ा है, चांदपोल के क्षेत्र हैं, पुरानी बस्ती के क्षेत्र हैं, सुभाष चौक है, गंगापोल है, 4 दरवाजा है, बांद्रिक का नासिक है, 5 बदनपुरा है, कि रोड के बीच में जीव हत्या हो रही है, कॉलोनी के बीच में जीव हत्या हो रही है, यहाँ फलानी हांडी चढ़ा दी जा रही है, तो हम लोग आज उनको रोकने का, समझाने का प्रयास किए हैं, लगभग सफल भी हुए हैं, आपके सामने भी कई फ़ोन और आपने देखे आ रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ का सौहार्द माहौल बिगड़े, यहाँ का प्रेम भाईचारा बिगड़े, इसलिए हम लोग जो भी विशेष लोग जो ऐसा काम करना चाह रहे हैं उनसे एक निवेदन और अपील करना चाहता हूँ, आपका अपना कर्म और धर्म क्या कहता है वो, उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा सनातन ये कहता है कि मैं जीव हत्या देख नहीं सकता, जीव हत्या होने देखना मेरे लिए पाप है, और जीव हत्या होते देख मेरा अपना व्रत नियम खराब हो रहा है। तो आज माताओं बहनों के अनगिनत फोन आ रहे हैं कि कॉलोनी में ये काम हो रहा है, मेरी एकादशी है, तो मैंने आज चाहूँ और थाना अधिकारियों को, हम नियम कानून से चलने वाले लोग हैं, उनको आज निर्देशित किया है कि भाई खुले में कोई भी इस प्रकार का काम न करे, कुर्बानी का काम न करे, और वो अपना नियम कायदे से करे, हम तक वो बात न चले, न वो उसके वीडियो आए, लेकिन आपके सामने अभी वीडियो भी आए हैं और लोगों की आपत्तियां फोन भी आ रहे हैं। नहीं, उसके लिए आपत्ति कौन कर रहा है कि बकरा ईद का त्यौहार है तो उसको आप ना मनाएं, इसके लिए कौन मना कर रहा है? लेकिन बकरा ईद का त्यौहार चौराहे के बीच में करने का तो नहीं है, चौराहे पर हांडी चढ़ाने का तो नहीं है, दूसरे को उससे दुर्गंध आती है, उसका व्रत खराब होता है, उसका मन खराब होता है, मन अशांत प्रचलित होता है, उस जीव को देखकर उसका मन पीड़ित होता है, वो करने का तो नहीं कहता। आपके पूजा पद्धति में हमारा कोई आक्षेप नहीं है, कोई परिवर्तन करने का अनुरोध नहीं है, कोई उसके बारे में टीका टिप्पणी नहीं है,
सिर्फ खाली नियम कायदे से कृपया आप करें, आप अपने भीतर में जो भी काम करना है करें, बाहर में उसके अवशेष किसी को परेशान न करें, उसका आप ध्यान रखें, तो उसमें बुराई क्या है? राहुल गांधी ने मशीन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और खड़गे साहब ने कहा है कि गलती से एनडीए की सरकार बन गई, तभी भी जाते एनडीए की सरकार पहले भी थी, लगातार पिछले 2014 से एनडीए की ही सरकार रही है, इसलिए राहुल बाबा की इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। अगर ईवीएम मशीन में प्रॉब्लम्स है तो फिर आपकी जो स्थितियां बन गई थी सीटों की पिछले चुनाव में, आपके थोड़ा बहुत अनुपात ऊपर नीचे कैसे हो गया, और आपके मित्रों की भी, हम लोग नियम कायदे और ईमानदारी पर चलने वाले लोग हैं साहब। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्र धर्म, राष्ट्र की सेवा, मातृभूमि की सेवा और 142 करोड़ को अपना परिवार मानकर, सेवा धर्म मानकर और राष्ट्र धर्म पर चलने वाले लोग हैं। हम इस प्रकार की बातों पर न ध्यान देते न विश्वास करते। अब राहुल गांधी जी के पास में और कोई काम तो रहा नहीं, और उनका चुनाव समय में उनका आगमन होता है, चुनाव के तत्पश्चात उनका घूमने का, भ्रमण का प्रोग्राम भी तय होता है, वो इटली जावें, नानी के जावें या और कोई कहीं। ननिहाल के नाम को लेकर, ननिहाल भी कहें तो गोद का, लेकिन उन्होंने अपने बाबा दादा का भी स्मरण करना चाहिए और उनके बारे में भी सोचना चाहिए। सिर्फ खाली गांधी बोलने से गांधी का स्वभाव उनमें आया नहीं है, गांधी जी की एक बात को भी वो धारण कर लेते। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने के तत्पश्चात गांधी जी के सभी बातों को स्मरण करते हुए स्वच्छता को भी आगे लाए और उनके हे राम को भी स्मरण करते हुए राम मंदिर बनकर तैयार हुआ और आराध्य प्रभु राम पुनः राम राज्य के रूप में स्थापित हुए। लेकिन इन लोगों ने एक बात भी उनकी नहीं मानी, उनकी एक बात जरूर इन्होंने मानी कि गांधी जी की इच्छा थी कि उन्होंने जो कांग्रेस, जो विदेशी एक संस्था थी, उस संस्था को समापन के लिए उन्होंने निवेदन किया था, वो इन्होंने गांधी परिवार जो अपने आप को बोलकर हैं, राहुल और उनके पापा मम्मी और उनकी दादी इत्यादि ने, वो काम नहीं किया, वो कहना नहीं माना जवाहर जी ने, और आज उस काम को राहुल जी करने को तैयार हैं और उसी का नतीजा है कि धीरे 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 वो अब सिमट कर रह गए हैं और आज स्थिति उनकी क्या है वो आप हम सबको पता है। या आदरणीय प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों कि भारतीय जनता पार्टी हों और हमारे विचार परिवार हों उससे संबंधित, सबका एक ही लक्ष्य है और एक ही संकल्प है, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारा परिवार का सदस्य है और उन सब की सेवा करना हमारा धर्म और हमारा कर्म बनता है और उसी काम को हम सब लोग